उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम अखिलेश यादव इन दिनों चुनावी सभाएं कर रहे हैं। इसी क्रम में वे समाजवादी पार्टी प्रत्याशी डॉक्टर बीपी चसूरिया के समर्थन में छतरपुर पहुंचे, जहां अखिलेश यादव रोड शो में शामिल हुए और कहा कि बीजेपी और कांग्रेस की जुगलबंदी से मध्य प्रदेश की जनता त्रस्त है, इस बार बदलाव चाहती है। उन्होंने कहा, बुंदेलखंड के छतरपुर विधानसभा से चुने हुए जनप्रतिनिधियों ने छतरपुर के साथ लगातार छलावा किया है। बुंदेलखंड का सबसे पिछड़ा जिलों में छतरपुर का नाम आता है, लेकिन इस बार जनता बदलाव चाहती है। मैं आपसे अपील करना चाहता हूं कि समाजवादियों को मौका दें, समाजवादी पार्टी की साइकिल चुनाव चिन्ह पे मदद करें। आज हर तरफ महंगाई दिख रही है, बेरोजगारी दिख रही है, किसान हमारा दुखी है, और ये भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं एक बार और इस बार और मौका दे दें। जहाँ तक हमारे प्रधानमंत्री जी का सवाल है, प्रधानमंत्री जी कल आएंगे, वो याद दिलाएंगे कि उन्होंने कितना काम किया है। अभी मैं एक उनका भाषण सुन रहा था दिल्ली का, दिल्ली में एक बहुत बड़े होटल में उन्होंने भाषण दिया और कहा कि उनके पिछले 10 साल के कामकाज से पूरे देश के 13 करोड़ गरीब गरीबी रेखा से बाहर आ गए हैं। प्रधानमंत्री जी हर जगह कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश उनके मन में है, या मध्य प्रदेश के मन में कौन है? सवाल ये, अगर मन में है और अगर दिल में मध्य प्रदेश है, तो मध्य प्रदेश का किसान क्यों दुखी है? यहाँ का नौजवान क्यों बेरोजगार है? पलायन के लिए क्यों मजबूर है? जिस तरह के हमारे प्रत्याशी ने कहा कि एनटीपीसी के लिए हजारों एकड़ जमीन यहाँ एक्वायर की गई, एनटीपीसी क्यों नहीं लौटी? मेडिकल कॉलेज बन जाता तो न जाने कितने लोगों को इलाज और सुविधा मिल जाती, उन्हें इस शहर से बाहर नहीं जाना पड़ता। उन सुविधाओं के लिए क्या कर रहे हैं?